Hey guys, what's up? This is Jaya Pradeep और आप देख रहे हैं मेरा चैनल Amit Educators। तो आज हम करेंगे डे 44 और डे 44 में हम यूज करेंगे नेक्स्ट मॉडल्स का, जो है हमारा मस्ट। मस्ट का यूज कैसे करना है, तो हमने सबसे पहले वही सब्जेक्ट बोलना है, सब्जेक्ट के बाद मॉडल्स बोलना है, मॉडल्स के बाद बी बोलना है, बी के बाद बोलनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। लास्ट वीडियो में हमने शुड का यूज किया था। शुड के यूज में हमने बताया था कि यार ये काम किया जाना चाहिए, वो काम किया जाना चाहिए, ऐसे किया जाना चाहिए, वैसे किया जाना चाहिए, तब हम शुड का यूज करते हैं। लेकिन जब बात आ जाए सीरियस, मतलब जब बात उस पे आ जाए, मतलब नाक पे आ जाए, मतलब ये काम तो मतलब जरूर करना चाहिए या जरूर किया जाना चाहिए, तो कोई भी काम अगर जरूर किया जाना चाहिए, उसके अलावा कोई चारा नहीं है, तब यूज किया जाता है मस्ट का। कैसे किया जाता है कि यार गली में नाली की सफाई की जानी चाहिए, यानी गली में नाली साफ की जानी चाहिए, तो द कैनाल, मतलब जो नाली है, द कैनाल, कैनाल तो बड़ा वर्ड हो गया, जो नाली होती है, द नाली को साफ किया जाना चाहिए जरूर, मतलब द कैनल मस्ट बी क्लीन, मस्ट बी क्लीन, इस तरीके से बोला जाता है। कोई भी काम किया जाना चाहिए वो मतलब जरूर, जैसे बच्चों को इंग्लिश जरूर सिखाई जानी चाहिए और कोई चारा नहीं है, तो बच्चों को इंग्लिश जरूर सिखाई जानी चाहिए। चिल्ड्रन मस्ट बी टोट इंग्लिश, या फिर इंग्लिश मस्ट बी टोट टू चिल्ड्रन, इस तरीके से बोल सकते हैं हम इंग्लिश में। कोई भी और काम, किसानों को क्या किया जाना चाहिए, किसानों को जरूर, मतलब किसानों को अच्छी फसल की जो कीमत है वो दी जानी चाहिए, तो क्या देना चाहिए, कीमत, द प्राइस मस्ट बी गिवन टू द फार्मर फॉर देयर क्रॉप, इस तरीके से बोला जाता है इंग्लिश में। तो अगर आपको इंग्लिश हिंदी में समझ में आना आ गया और इंग्लिश में उसको कैसे बोलना है वो समझ में आ गया, तो आपको हिंदी बोलने की जरूरत नहीं, आपके मुंह से जरूर, मतलब अपने आप ही ऑटोमेटिक इंग्लिश में निकलेगा, दिस मस्ट बी डन, और पीपल मस्ट बी गिवन सम गुड फैसिलिटीज, या पीपल मस्ट बी गिवन गुड सर्विसेज फॉर बाय देयर गवर्नमेंट, और पीपल मस्ट बी गिवन सब्सिडीज ऑन द सिलेंडर गैस, इस तरीके से बोल सकते हैं, मतलब ये काम किया जाना चाहिए। तो अगर ये काम जरूर किया जाना चाहिए तो हम उसका मस्ट का यूज करते हैं, अगर नॉर्मल है तो शुड का यूज होते हैं। बस ध्यान रखना है कि मस्ट का यूज तभी होगा जब बात मतलब उस बात पर जोर डाल करके बात कही जाती है, जैसे इस गाड़ी को जरूर क्लीन किया जाना चाहिए, तो दिस कार मस्ट बी क्लीन्ड, ओके। तो मस्ट का यूज जब भी आप देखोगे न्यूज़पेपर में या बुक्स में, जब भी आप रीडिंग करोगे, मैं आगे की वीडियोस में बुक्स की रीडिंग करा के आपको कुछ बताऊंगा, और बुक्स में किस तरीके से कौन कौन से सेंटेंस जो भी यूज होते हैं और जो मैंने आपको बताए हैं वो सेंटेंस बताऊंगा कि किस तरीके से यूज हो रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वेट करें मेरी नेक्स्ट वीडियो को, जो बहुत जल्दी आने वाली है, और तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।